चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसके प्रीवियस क्वेश्चंस। तो पेपर है हमारा 2017 12 14 का 12:30 वाला पेपर है। ओके, तो हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है वो है पुडिल परमाने मनपूर्ण करा डैश करी काम। तो दाम करी काम कि वह नौकर करी काम कि वह कृष्ण करी काम कि वह राम करी काम। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा दाम करी काम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूचना इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन फिगर है, ये क्वेश्चन फिगर हमको आंसर फिगर में क्या करना है, ढूंढना है। यानी कि ये इस तरह की फिगर इसमें हमको ढूंढना है। तो देखिए ये वाली क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। देखिए ये करेक्ट है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है। तो ये बी वाली राइट दिखाई दे रही है। देखते हैं आंसर, तो आंसर है हमारे पास बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है दोन विधाने यानी त्यानंतर दोन निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दिले आहेत। ही विधाने सामान्य ज्ञान वस्तुस्थितीपेक्षा भिन्न तरी सत्य आहेत असे समजा। दिलेल्यापैकी कोणता निष्कर्ष दिलेल्या विधानावरून नक्की काढता येऊ शकते हे तुम्ही ठरायचे आहे। ठीक है, तो हमारे पास विधान है और इसका निष्कर्ष है। तो ये सही है रॉन्ग है हमको ये बताना है। तो एक ही पुरुष बुद्धिमान नहीं, यानी एक पुरुष है आणि ते बुद्धिमान नहीं। ठीक है, क्रॉस केले म्हणजे नहीं। सर्व स्त्रिया बुद्धिमान आहे आणि सर्व स्त्रिया काय आहे, बुद्धिमान आहे। अब इसका निष्कर्ष यहाँ है एक ही पुरुष स्त्री नहीं। तर बरोबर आहे, एक ही पुरुष स्त्री आहे काम नहीं, एक ही स्त्री पुरुष नहीं आणि एक ही स्त्री पण पुरुष नहीं। तर आपल्याकडे आंसर येईल याचा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यहाँ पे जो नाम है उसमें से कंट्री नेम हमको पहचानना है। तो कंट्री नेम है, नाम देख लीजिए, नायरू है, कुक इसलैंड है एंड बोथ ऑफ दीज है। हमारे पास आंसर है बोथ ऑफ दीज आर कंट्री, दोनों भी क्या है, कंट्रीज है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्बल गाइडेंस इज ए लिस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ। वर्बल गाइडेंस लिस्ट इफेक्टिव है किसमें, तो वर्बल जो है वो स्किल में लिस्ट इफेक्टिव साबित होता है। ठीक है, ये वर्बल यानी के कौशल्य, ये सॉरी वर्बल यानी के बातचीत करना। तो बातचीत करने में तो हमारे पास क्या है, एप्टीट्यूड आता, शिकानियात बदल मांग, शाब्दिक यानी के बोलचाल। ठीक है, तो शाब्दिक में एप्टीट्यूड राइट होता, स्किल्स और वृत्ति है और नाती है। तो इसमें से हमको पूछा गया था कि वर्बल गाइडेंस इज द लिस्ट इफेक्टिव यानी कि कम असर रखने वाला, असर तो रखता है लेकिन कैसा रखता है, कम असर रखता है, कम इफेक्ट रखता है। तो स्किल्स कम इफेक्ट रखते वर्बल में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच स्पेसिस ऑफ अ सी टर्टल इज द मोस्ट पॉपुलियस स्पेसिस, कि सागरी कासवपैकी कोणती प्रजाति सर्वात लोकप्रिय आहे। यानी कि जो कासव की जाति होती है उसके अंदर सबसे फेमस कौन है, तो सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है ओलाइव राइडली। कौन है, ओलाइव राइडली। बाकी दूसरे जो ऑप्शंस थे वो हमारे पास कौन से थे, देखिए लॉगहेड था, कैम्स रिडेल था और फ्लैट बैक था, लेकिन फेमस है ओलाइव राइडली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है देखिए, ये पता नहीं क्या आ रहा है बार बार। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसके लेंथ है यानी बाजूंची लंबी भिन्न ना है, डिफरेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे विषमभुज, यानी कि विषम यानी स्केलिन, अलग अलग। देखिए समभुज मतलब सेम होता, यापैकी नाही म्हणजे हे तर ऑप्शनच नाही झाला आपला, आणि आयसोलेस मतलब उद्वासित साखळी यानी कि सेम होता। ठीक है, सेम इसके भी मीनिंग क्या निकलते हैं, सेम, और विषमभुज यानी कि डिफरेंट निकलते हैं। तो विषमभुज हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अंग्रेजी शब्द कोश अनुसार यानी कि अल्फाबेटिक कल ऑर्डर के हिसाब से हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो एस 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 कट कर दीजिए, ए ए ए ए भी कट कर दीजिए, वी आ रहा, यू आ रहा,
यहाँ से वी आ रहा, यहाँ से वी आ रहा और यहाँ से वी क्या आ रहा, वी आ रहा। तो अब देखिए यू पहले आता कि वी पहले आता, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, एस टी यू। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ रहा, थर्ड वाला यू आ रहा, ठीक है। एस कॉमन था इसलिए हटाए, ए कॉमन था इसलिए हटाए, वी और यू में कंसिडर करें तो यू पहले आ रहा। तो अब देखिए आंसर हमारे पास इस तरह से आएगा, इसका किस तरह से आ रहा है हमारे पास आंसर, आंसर इज, आंसर इज देखिए 25134 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इजोआईटी, ई जी ओ टी वाई, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज को हमको कंप्लीट करना है। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ, ई है एफ जी, एफ जी एच आई जे, जे कितने वर्ड्स के बाद आ रहा, फोर, यानी कि फोर फोर का डिस्टेंस है। तो वाई के बाद देखिए, वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, फोर का डिस्टेंस लेना है। वाई वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद कौन आता है, ए, ए के बाद कौन आता है, बी, बी के बाद कौन आता है, सी। तो इस तरह से सीरीज होगी ये, यहाँ पे है वाई ए बी सी डी, चार हमको छोड़ना था, ये वाई तो इसमें किस सीरीज में का हो गया, अब चार छोड़ना था, तो ए बी सी डी छोड़ेंगे तो आना चाहिए आंसर यहाँ पे ई आना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है हमारे पास, तो आंसर भी हमारे पास क्या है, ई ही है, आंसर भी हमारे पास क्या है, ई है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा एडिट की तरफ जाते हैं, ये बीच में पता नहीं कौन सा लोगो आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी डी है हमारे पास, तो आंसर क्या है, डी है, यानी कि वाई ए बी सी, ये चार के बाद डी आ रहा है, ठीक है, इस तरह की सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए ए ए ए ए ए बी, ए ए बी की सीरीज है, यानी कि सीरीज किसकी है, ए बी की है। तो ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, फिर ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, फिर ट्रिपल ए के बाद क्या आना चाहिए, ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, और बी के पहले क्या आना चाहिए, ए। सीरीज देखते हैं हम, यहाँ पे आइए देखिए, करेक्ट आंसर है बी। फिर भी और एक बार मैं आपको समझा दूँ, देखिए एक के बाद क्या आना चाहिए, बी, फिर इस ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, फिर इस ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, लेकिन इस बी के पहले कौन आना चाहिए, ए। तो इस तरह की ये हमारी आंसर सीरीज है, तो आंसर भी देखिए आप बी 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 ए। कौनती है ही, ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन कम्प्लीट 10 हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के हम क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं, ओके।